अरे हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। तो आज की हमारी जो टॉपिक है परसेंटेज, हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं बेसिक टिप्स बताऊंगा परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू का। तो सिंपली जो है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ ए परसेंटेज। सिंपली जो है, परसेंटेज कितने टाइप्स होते हैं और लाइफ में जो है परसेंटेज कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं और परसेंटेज को हम किस टाइप से जो है फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परसेंटेज कितने टाइप्स होते हैं। जो परसेंटेज जो होता है आपका, कर परसेंटेज परसेंटेज आपके दो टाइप्स के परसेंटेज आपके होते हैं। एक आपका जो होता है नंबरिंग सिस्टम होता है, एक आपका होता है मोन नंबरिंग सिस्टम। ऐसे अगर कहा जाए तो परसेंटेज थ्री टाइप्स होते हैं, लेकिन जो यूज़ किए जाते हैं वो परसेंटेज दो टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं। एक आपका होता है नंबरिंग सिस्टम, एक आपका होता है मोर नंबरिंग सिस्टम। ओके, मोर नंबरिंग सिस्टम। अब फार्मूला की अगर मैं बात करूं तो नंबरिंग सिस्टम का जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं सबसे पहले, तो इसका जो होता है कि वैल्यू इनटू, तो इसको वैल्यू कर वैल्यू इनटू परसेंटेज परसेंटेज इसके फार्मूला होते हैं। वैल्यू इनटू परसेंटेज इसके जो फार्मूला होते हैं, इसके जो होते हैं वैल्यू वैल्यू अपॉन वैल्यू हो गया, फिर उसके बाद आपका जो होता है टोटल वैल्यू इंटू 100 होता है। मोर नंबरिंग सिस्टम के लिए ए फार्मूला का यूज़ करते हैं। बेसिक टिप्स है परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं अगर बात करूँ फर्स्ट प्रोसेस का यहाँ पे, तो अगर हमको परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि 50 का, अगर 50 का 30% कितना होता है, आप अगर नहीं जानते होंगे तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 50 का 30% कैसे होता है। तो 50 का जो 30% होगा तो का आपका तो 0 0 से कट हो जाएगा, तो 5 3 15, तो यहाँ पे अब 15 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं फाइंड आउट। अगर मैं अगर दूसरी की बात करूँ तो 400 400 ले लेते हैं। 400 का आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो मैं बताऊँगा कि 400 का कितना परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है। 11% फाइंड आउट करना है, 11%। तो यहाँ पे आपका जो है 400 होगा, का मतलब मल्टीप्लाई 11 × 100 होगा। ओके, 0 0 से कट करेंगे, 0 0 से कट हो जाएगा। ओके, तो फिर उसके बाद आपका कितना होगा, 4 × 11 11 × 44, इसका 44%। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर 400 का है, अगर इस पर 11% अगर ऑफ होता है तो 400 रुपये में हम जो है 44 रुपये माइनस कर देंगे। और जो भी वैल्यू 400 में 44 रुपये माइनस करने जो वैल्यू आएगी और वो आपका जो है मेन वैल्यू हो जाएगी। समझिए, जैसे कि आप अमेजोन की अगर मैं बात करूँ चाहे फ्लिपकार्ट पे, तो आप देखते होंगे जब ऑफर चलते हैं तो इस पर परसेंटेज दिखाता है कितने परसेंटेज ऑफ है। तो इस टाइप से आप मालूम कर सकते हैं परसेंटेज फाइंड आउट करके कि जो है कितने परसेंटेज ऑफ है, इसकी जो है कितने प्राइस परसेंटेज काटने के बाद मुझे नीचे मिलेगी। ये बात हो गई। अगर हम बात कर रहे हैं आपका जो है नंबरिंग सिस्टम परसेंटेज का, ओके, अब इसके लिए भी बात बताऊंगा कि टोटल वैल्यू इनटू इसका क्या परसेंटेज का होता है। अब फिर हम बात करेंगे थर्ड में, आपको मैं जो है फॉर एग्जांपल से ही बताऊंगा कि जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज। तो अगर हमको हम ले लेते हैं कर 874, अगर 874 का 875 हम ले लेते हैं, अगर 875 का 16% कितना हुआ, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसको 875 होगा इंटू 16 का आपका 16, इसका 100 होगा। ओके, आप देख पा रहे हैं 100 होगा। और फिर उसके बाद अगर आप वैसे कट नहीं कर पाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है 14,000 हो जाएगा। 14,000 इंटू 100, 0 0 से कटा तो इसका बचेगा 140%। इसकी जो वैल्यू आएगी 140% की वैल्यू आएगी। ओके, अब हम नंबरिंग सिस्टम की बात करेंगे। अब बात करेंगे आपका मोर नंबरिंग सिस्टम के लिए। मोर नंबरिंग सिस्टम का जो फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके लिए, कर वैल्यू वैल्यू टोट अपान टोटल वैल्यू, जैसे इतना, जैसे आप मार्क्स निकालना होता है कि जैसे कि आपका जो है 600 का मार्क्स है, आपका जो है इसमें 420 नंबर आए हैं, 600 में अगर 420 नंबर आए हैं तो कितना परसेंटेज आपने फाइंड आउट किया। तो जैसे कि नंबर है गया हो गया इसका मैं एग्जांपल फोर्थ में ले लेता हूँ, तो 420 नंबर हमारे आए हैं, 600 में 420 नंबर हमारे आए हैं, तो वैल्यू कितनी वैल्यू है 420, तो यहाँ पे हम 420 करेंगे। ओके,
अब फिर हम बात करेंगे टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितना है, यानी कि आउट ऑफ मार्क्स। आउट ऑफ मार्क्स 600 है, अब फाइन मैंने किया है 420 किया है, तो यहाँ पे 600 कर लेंगे इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हम फार्मूला के बेस पे इसको जो है एडजस्ट कर रहे हैं, ये हो गया। फिर हम जो है 0 0 से कैंसिल करेंगे, आप कट गया 6 7 42, 6 7 42, यानी कि हम जो है मेरा 600 में हम 420 नंबर आए, तो हमारा जो है 70% मार्क्स लाए हैं। तो ये जो परसेंटेज में मोर नंबरिंग सिस्टम का परसेंटेज हो गया। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, फिफ्थ में अगर बात करें तो अगर 700 का हम 800 ले लेते हैं, जैसे 800 ले लेते हैं, इसमें 2400 मार्क्स आया है हमारा, कितना में, 3000 में, 3000 में 2400 मार्क्स आया है। इसको हम 100 करेंगे तो 0 0 से कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचा, 2400 और आप जो है 3, ये 0 से 0 ये करेंगे, फिर 7 3 7 3 21, 3 8 3 24, इसको हम 8 हो जाएगा, तो इसका कितना हुआ, 80%। यानी कि 3000 में अगर हम 2400 मार्क्स ले आते हैं तो इसका जो है 80% हुआ। तो सिंपली क्या चाहते देख पा रहे हैं, इस टाइप से परसेंटेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एनी टाइम्स कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए पूछ ही देता है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई सा भी परसेंटेज, मैंने तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है, आप कोई सा भी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे इस टाइप का यूज करके। तो सो गाइस, आप बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर हमारे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम को फॉलो करें, मैं डेली वाइज हमारी टीम इस पर अपडेट डालती रहती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और नए टिप्स और नए अपडेट के साथ, आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।